नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुदेशक न्यूज़ में। साथियों, हर वो खबर जिसका रहता है आपको इंतज़ार, हम लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए अनुदेशकों से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर। साथियों, यहाँ पे एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़। अनुदेशकों की एक टीम ने महानिदेशक विशिष्ट शिक्षा से मुलाकात कर स्थायीकरण और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। उनसे मुलाकात की है व्यक्तिगत तौर पर और क्या बात की है हम आपको विस्तार पूर्वक इस समाचार के अंतर्गत बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे, तेजस्वी जी अपनी टीम के साथ महानिदेशक बेसिक शिक्षा से मुलाकात कर उन्होंने मांग पत्र दिया और स्थायी समाधान के लिए प्रार्थना की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुदेशक हर तरह से हर प्रकार से लगे हुए हैं अपने स्थायीकरण के लिए, अपने समायोजन के लिए और नियमितीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से अपने अपना प्रयास कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। साथियों, भला अनुदेशक का होना चाहिए, चाहे प्रयास कोई भी करे, अगर हम संगठित होकर प्रयास करेंगे तो सफलता जल्द मिलेगी। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि संगठन में ताकत होती है। साथियों, जैसा कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि संगठित रहिए, संगठन में ताकत होती है, तमाम तरह की कहानियाँ उनको सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरा सभी अन्वेषक भाई बहनों से अनुरोध है, अपना अपना ईगो छोड़कर सब लोग एक मंच पर आकर सरकार से मांग करें, और मांग हो सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण। जैसा अनुदेशकों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया गया महानिदेशक विशिष्ट शिक्षा को, उन्होंने कहा कि जून माह में मानदेय नहीं मिलता है, इस कारण हमारे अनुदेशक कुछ भाई हैं जो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार नहीं, अगली बार हम पैब की मीटिंग में ये बात रखेंगे, जून का मानदेय भी आपको दिया जाए। श्रीमान विजय किरण आनंद जी ने विश्वास दिलाया कि अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी आपका स्थायी समाधान हो। सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल कर आपका स्थायी समाधान करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। आप सभी अनुदेशकों को धैर्य रखना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है कि आपका भला अवश्य होगा। अनुदेशकों की टीम के द्वारा स्थानांतरण की बात रखी गई, तब महानिदेशक विशिष्ट शिक्षा ने कहा कि पिछले वर्ष नहीं हो पाया था, इस वर्ष स्थानांतरण आपका अवश्य किया जाएगा। श्रीमान विजय किरण जी ने बताया कि आप लोग चिंता ना करें, आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा और स्थायी समाधान के साथ आपको आपका सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ नवीनीकरण से संबंधित विभाग के बाबुओं से वार्ता की गई अनुदेशकों के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 25 ज़िलों की सूचना उनके पास आ चुकी है, कुछ ज़िलों की सूचना 15 जून तक आ जाएगी। इसके बाद आप सभी का एक साथ नवीनीकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण करवा दी जाएगी। तो साथियों, कह सकते हैं पूरी मुलाकात सकारात्मक रही। महानिदेशक वैश्विक शिक्षा से ये पहली मुलाकात इस बार जब वो पुनः महानिदेशक वैश्विक शिक्षा बने, तो कह सकते हैं कि पहली मुलाकात जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है अनुदेशकों की हुई है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं अनुदेशकों की बात सरकार में बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है और सकारात्मक रूप में हम इसको लेंगे, निगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि कुछ समय हमें और धैर्य रखना है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, किसी तरीके से अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अब 9000 रुपये मानदेय मिलने लगा है, हमसे राहत है, लेकिन अभी हमारी मांग बरकरार है मानदेय 17000 की, जिसकी डेट 11 जुलाई को लगी है। हम शुभकामनाएँ देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तारीख को हम विजय के रूप में सुने। विक्रम सिंह जी इस तारीख के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और डॉक्टर एपी सिंह साहब अपना तन मन धन लगाकर हमारे साथ अनुदेशकों को विजय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिव कुमार मिश्रा जी एक सेतु का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम सभी अनुदेशक उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनकी पूरी टीम के लिए और सभी के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो साथियों, ये थी खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।